नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। जाम उठा रहे हैं आपकी आवाज सच के साथ। आज दशहरे का महापर्व है और पूरा देश, पूरा भारत इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। तो आज इसी पर्व के लिए हम लोग आए हुए हैं न्यू कॉलोनी मोड़ के दशहरा मैदान में। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग एक भारी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। काफी भीड़ है यहाँ पर रावण दहन को देखने के लिए, दशहरे के जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। यहाँ न्यू कॉलोनी के आसपास जो ये यहाँ के जो निवासी है, स्थानीय निवासी, उनको छोड़कर आसपास के जो कॉलोनी है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि जो रावण का दहन होता है वो असत्य पर सत्य की जीत, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। जब राम जी, श्री रामचंद्र जी 9 दिन तक रावण के साथ युद्ध लड़ते रहे थे सीता माता को लंका से लाने के लिए, तो उस युद्ध के बाद, 9 दिन के युद्ध के बाद, भारी प्रयत्नों के बाद 10वें दिन रावण का, मतलब रावण की मृत्यु हुई थी। रावण का वध किया था श्री रामचंद्र जी ने। इसी दिन को मनाने के लिए संपूर्ण पूरे भारतवासी जो है वो रावण का दहन करते हैं, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसको मनाने के लिए जो लोगों के अंदर एक हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो भारतीय धर्म के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह होता है। लोग बहुत ही उत्साह के साथ श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम के नारों से पूरे मैदान को भर देते हैं। गूंज उठता है पूरा मैदान और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं पूरे भारतवासी। आज दशहरे का महापर्व है और दशहरे के महापर्व पर यहाँ पर न्यू कॉलोनी मोड़ के जो ये दशहरा का मैदान है, यहाँ पर झांकी आने वाली है। यहाँ पर झांकी जो आएगी इसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो पूरा रामचंद्र जी का जो परिवार है सबका किरदार निभाने वाले हैं, और वहाँ पर बस उनके आने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देखिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस काफी, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आया हुआ है। मौके पर अगर कुछ भी हादसा हो तो उसके लिए यहाँ पर एक जो है कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि जब रावण का दहन हो तो किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर हादसा ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर सुरक्षा किया गया है, सुरक्षा का प्रबंध है। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोविड था पिछले 2 साल से, काफ़ी कोविड की वजह से हम ये दशहरे का त्यौहार नहीं मना पाए। लेकिन जिस जगह हम आए हैं यहाँ पर पिछले 2 साल में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से धूमधाम से दशहरे को मनाया गया था। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम बात करते हैं इस विषय में, आज का जो त्यौहार है आज दशहरे का महापर्व है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दशहरे का आज महान पर्व है। पूरे भारत वर्ष में ये तो कोरोना के प्रभाव के कारण 2 साल से धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन कौन हो रहे, परिस्थिति थी, प्रकृति से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता था, लेकिन फिर भी प्रत्येक बीमारी पर, कोरोना जैसी महामारी पर भी अंततः वक्ता प्रभु धर्म प्रेमियों की ही विजय मानी जाएगी। तो जो 2 साल के बाद भी आज जो विजय दशहरा का पर्व मना रहे हैं, वो कोरोना की उस भयंकर प्रादुर्भाव को भूल करके सब लोग आज बड़े प्रसन्न हैं। आज कोरोना रूपी रावण का हम सभी मिलकर के दाह संस्कार करते हैं और भगवान से ये कामना करते हैं कि इस पुतले के साथ कोरोना के जितने भी साइड इफेक्ट हैं वो सारे दहन हो जाए। हमने कोरोना
कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना को जीत पा लिया है हमने। कोरोना से डरने की आवश्यकता विषय यह नहीं है, कोई भी आस्था कोई भी श्रद्धा ये नहीं कहती है कि आप यदि कोई बीमारी फैली हुई है तो उसका जो एक नियम पालन बताया गया उसे आप भूल जाओ। उन नियमों का पालन करते हुए अपनी आस्था को बनाए रखें, यही से सबसे बड़ी विवेक और बुद्धि की बात होती है। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि मास्क लगाइए या थोड़ी दूरी बना के रखें। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगा रखा है मैडम, उसका एक विशेष कारण यह है कि पूरे 2 साल के इस कार्यकाल में मैंने आज तक मास्क नहीं लगाया और मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं दूसरों को इस अपवाद का भागी बनाना नहीं चाहता। देशवासियों को यही मैसेज दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन अभी भी करना चाहिए। अपने को अभी रोगों से निकला ना समझे, कोरोना अभी भी रमा हुआ है, उससे अपने को बचाते हुए सावधानी बरतते हुए अपने धार्मिक आयोजन को जरूर कीजिए, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटिए, नियम के अंतर्गत रह करके करिए, यही मैं कामना करता हूँ सबसे। बिल्कुल सही बात कही पंडित जी ने, उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से हम घरों में बंद थे, जो त्योहार का जो एक सीजन आ चुका है अब हमारे देश में, अब लगातार त्योहार के बाद त्योहार एक पर एक त्योहार आते ही रहेंगे, जहाँ पर लोगों को जो है एक संयम के साथ चलना होगा, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा देश पिछले 2 साल से, लगभग पूरे 2 साल से हम कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में हम फेल ना हो जाए छोटी सी गलती की वजह से। इसीलिए हमें इस प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि इतने समय के बाद ये लोग घर से बाहर आए हैं, तो क्या है इनका जो है, किस तरह का उत्साह है? सर, आप लोग इतने टाइम बाद रावण को देखने आए हैं, दहन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या नया है इस बार? रावण नए बने, काफी ऊंचे बने। कितनी ऊंचाई है रावण की? वो भी मैक्सिमम 25-30। आपको बता दूं, 65 फुट का रावण है, और जो कुंभकर्ण है वो 60, और मेघनाथ जो है वो 55 फुट का। तो इस बार क्या नया आपको अच्छा क्या लग रहा है, आकर्षित क्या लग रहा है? नया कुछ भी नहीं, वही है जो पहले था जी। तो 2 साल के बाद आप लोग यहाँ पर मनाने आए हैं, तो किस तरह का उत्साह है, क्या क्या मतलब यहाँ पर अच्छा लग रहा है आपको उस चीज से रिलेटेड, 2 साल के बाद कुछ नया? कोरोना को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स? तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लोग हैं वो मास्क लगाकर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनके अंदर उत्साह है। इस बार रावण को बड़ा देखकर आपको बता दूं कि रावण की जो हाइट है यहाँ लगभग वो है 65 फिट, और जो 65 फुट, और जो हमारे मेघनाथ जी हैं वो है 55 के, और जो कुंभकर्ण है वो 60 फिट है यहाँ पर लंबे। बहुत ही ऊँचा बनाया गया है इस बार, कुछ अलग ये है कि काफी हाइट है इनकी, और जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है, जो लोग यहाँ पर आए हैं वो काफी उत्साहित हैं। बार बार स्टेज से इनको बोला जा रहा है कि रावण के पुतले से हटने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि ये पुतले से दूर नहीं होना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से भी, कोशिश करते हैं बात करने की। सर, यहाँ पर आए आपको इतने टाइम बाद यहाँ पर आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है, मतलब इस बार पुतले कैसे हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इस बार क्या आपको आकर्षित लग रहा है सबसे ज्यादा, अच्छा इस बार क्या लग रहा है? सबसे बढ़िया लग रहा है आपने मास्क के नीचे रखा हुआ है। जी, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी, कोई छोटी सी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हमें, जो हम पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के विरुद्ध, वो वापस से हमारी जिंदगी में ना आ जाए। तो कोविड रूपी रावण से भी हमें लड़ना है जी। आप बताइए सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाना चाहिए ना, आपने भी मास्क नहीं लगाया। मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोविड जो है वो अभी भी, उसका खतरा टला नहीं है, कोविड से हम लोग अभी भी बचे हुए नहीं है, कोविड कभी भी आ सकता है, कोविड अभी भी हमारे
बीच ही है तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया, किसी ने भी मास्क भी नहीं लगाया। आप लोगों ने लगा लेंगे, अभी जेब में पड़ा है। कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो आप लोग बिना मास्क के इतने क्राउडेड एरिया में कैसे रह सकते हैं? मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। मास्क ही नहीं लगाया बच्चे आपने? मास्क नहीं लगाया? मास्क लगाओ जल्दी। अच्छा, इस पर क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है आपको? सब कुछ में क्या इस बार अच्छा लग रहा है आपको? देखिए कितनी हाइट होगी लगभग। अच्छा, कौन कौन से खिलौने अच्छे लगे इस बार? क्या नया खिलौना आया मार्केट में? ये तो नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा यहाँ खुश है, और बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? मास्क भूल गए रूम पर। वैक्सीनेटेड है? वैक्सीन लगा चुका हूँ। और आपने मास्क क्यों लगाया सर? पैकेट में रह गया। ये बताइए इस बार क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देखो सभी को जो इस बार है वो आकर्षण का जो केंद्र है वो यहाँ जो रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण का जो पुतला है वो एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। सभी लोग इस पुतले से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट है इस बार इनकी। तो और हम आइए बात करने की कोशिश करते हैं और भी लोगों से। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहा हूँ। वैक्सीनेटेड है आप? इस बार क्या अच्छा लग रहा है आपको इस मेले में? सारे आए हैं, हम भी आए हैं वैसे ही। अच्छा क्या लग रहा है इस बार? रावण अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने सभी को, इस बार जो है रावण का जो पुतला है वो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक जो गलती है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस शोभा यात्रा आने ही वाली है। कुछ ही समय में यहाँ पर शोभा यात्रा के जो लोग हैं वो पहुँचने ही वाले हैं। और मैदान में एक कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रस्सी लगाई हुई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो रावण के इर्द गिर्द ना घूमें, किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। और यहाँ पर एक और बात है जो पॉल्यूशन से रिलेटेड मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार किसी भी तरह का जो ये पटाखे जो होते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन पटाखों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सांस से रिलेटेड लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो सीज़न होता है दशहरे से लेकर दिवाली तक का, इस समय पर लोगों को सांस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पटाखे आपसे ना जले, आपसे मैं यही अपील करूंगी कि पटाखे ना जलाएं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक किनारे में लग चुके हैं और सब साइड हो चुके हैं क्योंकि बस जो यात्रा है शोभा यात्रा वो आने ही वाली है। थोड़ी ही देर में उसके बाद रावण को जलाया जाएगा और रावण के जलते ही ये गिरने के, यहाँ पर आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोगों को दूर कर दिया गया है ग्राउंड से ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का हादसा ना हो। तो आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ जिन्होंने श्री सनातन धर्म सभा गीता भगवत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम उनसे पहले पूछते हैं, मैं इसका आयोजन कितने साल से होता है और जो लोग हैं उनके मेंबर्स हैं वो कितने हैं? कोशिश करते हैं कितने समय से ये लोग, ये महापर्व है साथ हैं और किस तरह से कितनी लागत के साथ इस पर्व को यहाँ पर मनाया जाता है तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर एक जी, तो अभी हम स्टेज पर चलते हैं और जो आयोजित करता है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो किस तरह से आयोजित किया गया है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं
जो लोग आए हुए हैं उनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? जी सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जी भीमसेन बाली। जी सर, तो आज का जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने सालों से होता आ रहा है ये? 50 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है जी, गीता भवन के सौजन्य से। और गीता भवन के हमारे सारे मेंबर जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे प्रधान जी श्री सुरेंद्र खुल्लर जी हैं और हम यहाँ पर सिर्फ सभी मेंबर हैं, किसी की कोई पोस्ट नहीं है। सभी सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। और ये राम लीला पिछले साल भी हुई है, उसके पिछले साल भी हुई है। कोविड की वो डिस्टेंस रखते हुए सब हमने इंतजाम किया था पिछले साल भी, और उससे पिछले साल भी जो कोविड पीक पे था, जब भी हमारी रामलीला हुई है परमात्मा की दया रही है। कोई किसी को भी कोई भी ना तो दर्शक को और ना ही किसी अपने वर्कर को, ना ही किसी प्रधान को, किसी को कुछ नहीं हुआ। और परमात्मा की दया ये तो काम करने वाले तो 20-25 हैं जी, बाकी जो है मेंबर हमारे टोटल 200 कुछ हैं। हाँ जी, कितने की लागत लगती है जब आप लोग ऐसा? ये तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं प्रति वर्ष। 15 लाख रुपए जी। तो ये कैसे आप लोग? ये सारे पैसे हम कलेक्शन करते हैं दिल्ली से, ज्यादा से ज्यादा तो दिल्ली से आया करती है, दिल्ली से आया करती है ज्यादा से ज्यादा डोनेशन। यहाँ से भी है, सभी जितने मैंने आप अभी बोले थे वो सारे यहीं के ही थे। तो आप लोग किस तरह का यहाँ पर जो सुरक्षा का, जो कड़ी सुरक्षा का वो सारी पुलिस हमारी चौकी हमारे पास ही है, यहाँ पर है पुलिस थाना, वो उनका पूरा सहयोग रहता है हमारे साथ। और जब से रामलीला शुरू होती है वो हमारे सब हाथ देती है और पूरा सहयोग। तो आप देश दशहरे को लेकर क्या दशहरा ग्राउंड में जो हम ये 50 साल से कर रहे हैं यहाँ पर, और रामलीला हमारी पहले गीता भवन के अंदर होती थी, अब ये कोई जगह वहाँ पर बंद रह गई। ये बहुत इसमें हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है और पूरा भगवान राम के प्रति आस्था रखती है इसलिए। और आपके सामने इतनी बड़ा बेहतरीन करा है तब लोग करते हुए कोविड गाइडलाइंस को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए यहाँ पर दशहरे का जो महापर्व था उसे मनाया जा रहा था। लगातार यहाँ पर रावण को पिछले दोनों सालों में भी जब कोविड था तब भी यहाँ पर रावण दहन हुआ है, और यहाँ पर इसी तादाद में लोग कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हैं। और बस अभी थोड़ी ही देर में शोभा यात्रा आने ही वाली है और हम शोभा यात्रा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे सब किरदार निभाते हुए यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एक जो हिंदू धर्म में एक पौराणिक कथा के अनुसार जो दशहरे का जो पर्व है उसको मनाने का एक और हमारे पास कारण है कि दुर्गा माता जब महिषासुर ने पूरे दुनिया में एक हड़कंप मचा दिया था, तब दुर्गा माता भी नौ दिन तक महिषासुर से युद्ध लड़ती रही। रामचंद्र जी ने रावण होता है, रावण का जो वध हुआ था उसके लिए इसका जश्न हम मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उनके अलग अलग जाती है किरदार बनते हैं, इसमें राम सीता का किरदार निभाते हुए एक रामलीला आयोजित की जाती है जिसमें सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ आस पास मेला लगा हुआ है और मेले में लोग जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर, हर तरह का मतलब खिलौने से रिलेटेड, खिलौना कह लीजिए, मिठाई कह लीजिए,
सारी चीजें यहाँ पर लगभग मिलती हैं। आज के दिन यहाँ पर जो लोग हैं वो साथ के साथ चीजें खरीदते हैं, खुश होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेले से बहुत सारे खिलौने खरीद के लेकर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन उनके लिए एक जश्न का माहौल होता है। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमते हुए यहाँ पर आते हैं और दुकानों पर ये जो खिलौने होते हैं उसको खरीदते हैं और लेकर जाते हैं। मैं आपको खिलौनों की दुकानें दिखाती हूँ जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के खिलौने आप देख सकते हैं। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध भी है, यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है, यहाँ पर दो पुलिसकर्मी खड़े हैं, इधर दो पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए जो है वो जगह नहीं दी गई, यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते आप मैदान के बीच सामने, और यहाँ पर जो पुलिस है वो अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, किसी भी तरह की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जो खिलौने हैं वो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर खिलौने आए हुए हैं, छोटे बच्चों के मन को भाने वाले खिलौने। जो छोटे बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि वो खिलौने कौन सा खिलौना अच्छा है, कौन सा खिलौना अच्छा है, डमरू डमरू, आपको डमरू अच्छा लगा, आपको तलवार तलवार, क्या देखने आए हो यहाँ बोलो, क्या देखने आए हो, मेला, मेले में क्या अच्छा लगा, रावण रावण, आप लोग यहाँ पर आए कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, क्या अच्छा है इस बार, माहौल भी अच्छा है, सिक्योरिटी गार्ड भी अच्छी लगी हुई है, रावण भी अच्छे हैं। दो साल बाद आप लोग घर से बाहर आए हैं तो कैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा मैम, अच्छा लगा तो जी बताइए कैसा लगा, हमारे को भी यहाँ बहुत अच्छा लगा है, सभी सुविधा भी बढ़िया है, मेला वगैरह सब भी अच्छा है, लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क मेरी गलती है, लगाएंगे मैम, और सभी हरियाणा में सभी सेफ्टी अपनी अपनी ध्यान रखे, सभी भाई और बहनों मैं क्यों यही कह रहा हूँ, सभी मास्क लगा रखे, हेलमेट लगा के ज़्यादा भीड़ भड़ा का हमें ध्यान रखे, मेला भी अच्छा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, अच्छी होती है, बिक्री वगैरह अच्छी होती है मेले में, हाँ जी बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास पहले से सही है, पहले बहुत भीड़ भाड़ होती थी, अब पुलिस वालों ने थोड़ा सही किया जी, हाँ जी बहुत अच्छा फील हुआ है हमारे को कि पुलिस वालों ने यहाँ पर हमारे लिए बहुत बढ़िया कर दिया, स्टॉल लगे हुए हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके लिए भी बहुत कड़ी सुरक्षाएं की गई है, यहाँ के जो स्टॉल के लोग वाले जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर सुरक्षा का प्रबंध है, इस बार जो उनकी जो बिक्री हो रही है अच्छी हो रही है, लोग अच्छी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी यहाँ पर अब इनके साथ यहाँ जो पुलिस की सुरक्षा जो मिली उसकी बहुत खुश है, आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा यहाँ आ चुकी है, बैंड के साथ यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है, बैंड आगे आगे चल रहा है, पीछे शोभा यात्रा है, तो जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे एक भीड़ के साथ एक अच्छी तादाद के साथ आपके श्रद्धालु हैं वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप देखना चाहती हूँ लोग हैं खुश नजर आ रहा है, उत्साह खुश नजर आ रहा है, I'm sorry.
वैसे ही यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो बहुत पुलिस का जो प्रबंध है कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। पुलिस ने जो है जो कड़ी सुरक्षा में लगे हुए हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, मास्क उनके हाथ में है और उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए क्या आप देख सकते हैं बहुत से लोग स्वागत करने के लिए जो शोभा यात्रा आ रही है उनके स्वागत में यहाँ पर तैनात करा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है जो कि बहुत ही एक कोविड को खुलावा देने जैसा है। Yeah.
मेरी बेइज्जती कर रहा है। रावण के घर से वापस आई थी। आज के जमाने में ना तो ऐसा रावण है ना ही ऐसा राम। ऐसा रावण जिसने अपनी बहन की इज्जत के लिए अपनी बहन की अच्छे लगते हैं।
सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो रावण थे वो बड़े विद्वान थे, उनकी सिर्फ ये एक ही गलती थी कि उन्होंने महिला पराई स्त्री पर पूरी नजर डाली, तो इसीलिए उनका पूरी हमारी जो लंका थी अपना पूरा शासन सब नाश हो गया। तो इसीलिए ये एक सीख का है और हमें महिलाओं को हमेशा सम्मानित करना चाहिए। ये जो एक हमारी संस्कृति है हमारा, इसमें पिता पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक स्त्री का पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए और एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, ये सब कर्म है। हर मनुष्य को अपनी रामायण को पढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप भाई भाई का नहीं है, पिता की रिस्पेक्ट करना भूल गया है, माँ बाप को आप देख सकते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, महिलाओं का सम्मान करना भूल गए हैं। तो हम आज बोल करना चाहिए कि आज अपने एक ना एक बुराई का आज हम यहाँ खात्मा करेंगे और अपने देश का आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र का आगे बढ़ाएंगे। सॉरी लेकर देखिए जी की अब कहते हैं आने वाली है, तो हरियाणा सरकार ने भी और उसने भी कोरोना की वैक्सीन पर मुहिम चला रखी है, हमने भी 250 से ज्यादा कैंप लगाए हैं, लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, लोग अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं और जो लोगों की गाइडलाइंस है उचित दूरी आप देखिए, किसी ने आई थिंक मास्क वगैरह नहीं पहन रखा, दूरी भी नहीं है, मास्क मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं दूरी से बच रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने प्रोग्राम में एक आ रहे हैं जा रहे हैं तो बोलने में और सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मास्क मैं लगा के इसलिए मैं लोगों को यही कहूँगी कि मास्क जरूर पहने और कुछ दूरी बनाए। Oh!
दुश्मन के सिर पर मौत की गोली ठेका बनकर चुका दी इसको चढ़ने में जो है सब में कंकर लगा दी है फिर भी खा दी चैलेंज की बस्ती को बना दी मौत की जो फल तो एक फल आएगा मदासा